हेलो 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 एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। और थोड़ा सा दीपावली के उपलक्ष्य में फेस्टिव कपड़े पहने गए हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं, घड़ी ज़रूर पहनी गई है क्योंकि बिना वॉच के ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा है। बट येस, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत सॉरी भी, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद वीडियो बनाया गया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे यू नो दे हैव बीन चेकिंग ऑन मी कि क्या हो गया, इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। सो येस, देयर वर सम थिंग्स, लाइफ बड़ी मेस्ड अप थी, अभी भी थोड़ी बहुत है। काफ़ी सारी चीज़ें थी हेल्थ फ्रंट पे, मेंटली आई वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट, फैमिली में भी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, बट थिंग्स आर गेटिंग स्लाइटली बेटर नाउ। आई एम नाउ इन अ बेटर स्टेट। थोड़ा वजन भी बढ़ गया था, उसको भी मैं कंट्रोल करने की कोशिश में हूँ, लेकिन गाड़ी थोड़ी थोड़ी पटरी पे आने लग गई है। सो आई थॉट शुरुआत करते हैं। और हाल ही में हमने 20,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली को पूरा किया है, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। और मुझे लगता है कि बनता है कि मैं आऊँ, एक वीडियो बनाऊँ और आप सबको पर्सनली थैंक करूँ। और इसी उपलक्ष्य में मैंने अपने इंस्टाग्राम पर रिसेंटली एक Q&A भी होस्ट किया था, जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन्हें मैं आंसर करूँगी एक यूट्यूब वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हैं, मोस्टली सारे बुक रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं, बट हम देखते हैं। मैंने सारे स्क्रीन शॉट्स अपने लैपटॉप में पर सेव करके रखे हैं जिन्हें मैं पढ़ूंगी और आंसर करूंगी। और बुक्स की बात करूं तो मैं रिसेंटली पढ़ रही थी ये वाली बुक जिसका नाम है ग्रिट बाय एंजेला डकवर्थ। ऑनेस्टली मुझे इस बुक से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये बुक थोड़ी बोरिंग हो गई है क्योंकि इसमें हर एक पैराग्राफ पे एग्जाम्पल है। मतलब इतने एग्जाम्पल है कि यार बंदा पागल हो जाएगा, अपना सर नोच लेगा कि इतने एग्जाम्पल कौन लिखता है। और थोड़े बहुत एग्जाम्पल ठीक होते हैं, पर ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ पे एग्जाम्पल स्विच हो जाते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल जिसका एक से दूसरे का कोई रिलेशन भी नहीं है। मतलब मैं अपने ने अपना सर पकड़ लिया था कि क्या चल रहा है यार। तो चार चैप्टर मैंने इसके पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आगे और पढ़ने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज मैं इसे DNF करने वाली हूँ। और इसके बाद मैं पढ़ूंगी 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। इस बुक से भी अगेन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, सो आई होप कि ये बुक मुझे निराश ना करे। सो आई एम गोना कीप यू अपडेटेड ऑन माई इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी देयर। तो अब बिना देरी किए जल्दी से इस Q&A की शुरुआत करते हैं। ओके, सो आई हैव ऑल माई स्क्रीन शॉट्स ओवर हियर, और एक्चुअली लेट मी टेक माई लैपटॉप हियर। ओके, सो पहला क्वेश्चन पूछा गया है सौरव कुमार के द्वारा। वॉट आर द चैलेंजेस टू स्टार्ट अ बुक ट्यूब चैनल, बिग फैन मैम, लव फ्रॉम इंडिया बिहार। मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि बुक ट्यूब चैनल के क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसकी लिंक मैं यहाँ कहीं ऊपर डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगता है जब मैंने इतना इलैबोरेटेड वीडियो बनाया तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर दोहराने से कोई मतलब नहीं है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सायदा महमूदा। डू यू प्लान ऑन एम्ब्रेसिंग पेरेंटहुड सूनर और लेटर? ऑनेस्टली दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट या आई डू प्लान टू एम्ब्रेस पेरेंटहुड। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, पर मुझे लगता है कि ये तभी करना चाहिए जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप हेल्दी हो, और या यू आर केपेबल टू रेज अ चाइल्ड। तो जब भी वो सिचुएशन पे हम आ जाएंगे तब डेफिनेटली विल प्लान समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बाय सायदा। आर यू एंगेज्ड इन एनी अदर प्रोफेशन बिसाइड्स बुकट्यूब? राइट नाउ नो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब एंड बुक रिव्यू। तो इन्हीं दो चीज़ों से मेरी अर्निंग होती है। अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है, तो मैं यहीं पर सभी को आंसर कर देती हूँ कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब एज ऑफ नाउ, बट आई एम डूइंग सम सर्टिफिकेशंस विच आर रिलेटेड टू माई फील्ड ऑफ एजुकेशन। रिसेंटली मैंने एक टैबल्यू का सर्टिफिकेशन किया है, और मैं अभी पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रही हूँ, तो उसका भी शायद मैं कुछ सर्टिफिकेशन करूँ या कोई उस पर प्रोजेक्ट बनाऊँ, सो दैट इज गोइंग साइड बाई साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय बी कीर्ति। Suggest a biography of an Indian person which influenced you the most. I trust on choice. Thank you. Biography, honestly, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं पढ़ी है. In Indian context, I'd say Wings of Fire is definitely a very good one. And then again, I read biography of Elon Musk. वो बहुत अच्छी बुक थी, इट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। आई हैव रेड स्टीव जॉब्स दैट इज़ रिटन बाय वॉल्टर इसैक्सन, वो भी बहुत अच्छी बुक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अहमद एस अहमद समीर खान. हाउ कैन वी रीड अ बुक मोर एफिशिएंटली सो दैट वी कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ इट. ओके, देखो इसके कुछ आंसर्स तो मैं ये भी दे सकती हूँ कि अंडरलाइन करो, समरी लिखते चलो, यू नो, उसको अपनी भाषा में कुछ रिव्यू लिख दो. लेकिन पर्सनली ओवर द टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जब भी आप कोई एक बुक पढ़ते हो या लेट्स से आपने उसका एक कोई चैप्टर पढ़ा, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन फिक्शन बुक्स, ओके. तो जब भी आपने किसी बुक का एक चैप्टर पढ़ा है उसको खुद अपनी भाषा में बोलो, लाइक समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स एंड जस्ट डोंट राइट इट, उसे बोलो जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो. आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आपने जो भी एक चैप्टर पढ़ा है या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अपनी भाषा में बोलो सिर्फ खुद से. इफ यू वांट टू रिकॉर्ड इट और राइट इट, गो हैड एंड डू दैट. पर एक बार जब आप उसको पढ़ने के बाद अपनी भाषा में समराइज करते हो, जिस भी भाषा में आप खुद से बात करते हो, तो आई थिंक आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सोनक 704. हाउ डू यू कंप्लीट बुक्स सो फास्ट, कैन इट बी डन फॉर नॉन फिक्शन ऑल्सो? Honestly, I don't deliberately read faster. It has gradually happened over the course of time with me. इतनी books पढ़ने के कारण. और fiction books ही मैं ज़्यादातर fast पढ़ती हूँ. Non-fiction मैं जानबूझकर कोशिश करती हूँ कि मैं fast ना पढ़ूँ. मैंने कभी भी आज तक एक sitting में कोई non-fiction book नहीं पढ़ी है और ना ही मैं चाहती हूँ उसे पढ़ना, क्योंकि again it defeats the purpose of learning. तो जब भी आप नॉन फिक्शन बुक्स जल्दी पढ़ना चाहते हैं, आई थिंक ऑडियो बुक्स एक बेहतर माध्यम है. और नॉन फिक्शन बुक्स को मुझे लगता है कि आपको अपना पूरा टाइम लेके पढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बाय सोनक. व्हाट्स योर फेवरेट कंपेनियन व्हेन यू रीड अ बुक? मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो नथिंग. कभी कभी चाय का कप, कॉफी का कप, ऐसा कुछ होता है मेरे साथ. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कोई कंपेनियन प्रेफर नहीं करती हूँ और ना ही मैं कोई म्यूजिक चलाती हूँ. मैंने एक आध बार कभी ट्राई किया भी होगा बट इट डजेंट वर्क फॉर मी. मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल नहीं पढ़ सकती. स्टारबक्स में बैठ के किताब पढ़ना इज नॉट माई थिंग. मुझे घर में शांति से एक कोने में बैठ के एकदम जीरो साउंड के साथ किताब पढ़ना ज्यादा पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आई एम वैभव. आर यू इंडियन? Yes, I am Indian, based in USA. Next question is by Ketki underscore 108. How you involve in reading so many books and what's your education? I am an engineering graduate in computer science, and for reading, I would say I just love books. I just love reading. I love to read new perspectives. I love to encounter different types of writing styles of authors, and just I just love the idea of reading a book. क्योंकि जब आप कोई किताब से कुछ चीज़ पढ़ते हो या सीखते हो, और जब भी आपने कुछ नया पढ़ा होता है, कुछ नया सीखा होता है, तो वो उसका जो इम्प्रिंट आपके दिमाग में जाके बसता है ना, वो बहुत गहरा होता है. एज अपोज टू जब आप कोई यू नो मूवी में कुछ देख लो या टीवी सीरीज से कुछ लर्न कर लो या डॉक्यूमेंट्री से कुछ लर्न कर लो, उसके बजाय आपने किसी किताब से यदि वही चीज़ पढ़ी होगी ना, तो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा गहरी छाप छोड़ती है. और इतनी तरह की किताबें, इतनी तरह की डिफरेंट राइटिंग्स इस दुनिया में मौजूद हैं कि मुझे लगता है जीवन में हर किसी को लिटरेचर या फिक्शन, नॉन फिक्शन, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए. जस्ट ओपन्स योर आइज, इट जस्ट मेक्स यू मोर हम्बल, इट गिव्स यू न्यू पर्सपेक्टिव्स, एंड इट जस्ट enriches you as a person. Next question is by Ajit Jain. Top 5 self-help books and top 5 books of all genres according to you. ये तो बड़ा ही वेग सा question हो गया, क्योंकि यार इतनी किताबें होती हैं और इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं. मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बुक रिकमेंडेशंस की, जिसमें हर तरह की, ऑलमोस्ट हर तरह की बुक का रिकमेंडेशन है, ऑलमोस्ट हर तरह के लोगों के लिए, एज ग्रुप के लिए. तो प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द अमेय. अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. अगेन इट्स अ वेरी वीक क्वेश्चन. मुझे नहीं लगता कि कोई भी लाइफ का एक अल्टीमेट गोल होता है. आपके गोल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं एस अकॉर्डिंग टू योर एज, योर सिचुएशन. लेकिन हाँ, हमेशा जीवन में एक गोल होना ही चाहिए. कभी भी गोल लेस लाइफ नहीं होनी चाहिए. एक गोल अचीव किया, खटाक, दूसरे पे बढ़ो. वो अचीव किया, खटाक, तीसरे पे बढ़ो.
और हमेशा हेल्थ रिलेटेड एक गोल आपकी लाइफ में होना ही होना चाहिए. इफ़ यू हैव फैट, इफ़ यू हैव बॉडी फैट, उसको रिड्यूस करो, वो कर लिया, बॉडी टोन करो, वो कर लिया, कुछ और मसल ग्रुप्स पे टारगेट करो, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड गोल हमेशा अपनी लाइफ में रखो. और या आई डोंट थिंक देयर इज एन अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आशी पाराशर. योर क्रिएटिव हॉबीज अदर देन रीडिंग. आई हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिव हॉबीज. आई थिंक आई लव टू कुक. मुझे कुकिंग करना, नई नई डिशेज एक्सप्लोर करना, बनाना बहुत पसंद है. मुझे ड्राइंग, स्केचिंग करना बहुत पसंद है. डांस मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है, लेकिन मुझे अटेम्प्ट करना बहुत पसंद है. मैं अटेम्प्ट सब कुछ करती हूँ. और या रिसेंटली आई हैव बीन डिस्कवरिंग मेकअप कैसे करते हैं. ये तो मैंने मतलब बहुत लेट डिस्कवर किया अपनी लाइफ में, बट आई एम एंजॉइंग दिस फेज ऑल्सो. सो या यू कैन से दैट आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आयशा असलम. नेम दैट वन बुक दैट यू नो यू वुड बी रीडिंग इवन इन योर 60s एंड विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट. आई थिंक द प्रॉफिट इज अ बुक जो किसी भी सिचुएशन में पढ़ी जा सकती है और किसी भी एज ग्रुप के लिए पढ़ी जा सकती है. देन आई वुड से डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, क्योंकि वो बुक हमेशा मुझे बहुत सारी होप देती है. और कोई भी मिस्ट्री बुक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस्ट्री पढ़ने का शौक मेरा कभी ख़त्म होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय जोरोंग्स. आर यू टेकन? यस आई एम टेकन. Next question is again by Aisha. Books of which genre have helped you the most while going through a reading slump? Mystery. Mystery always. And graphic books also. जब भी मेरा कुछ ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है, मुझे लगता है मैं reading slump में हूँ, मैं कोई भी एक graphic book उठा लाती हूँ library से, और वो बहुत ही quickly भी पढ़ी जाती है. और usually हमेशा fiction books पे ही graphic books बनती हैं, तो interesting story भी होती है, तो स्टोरी टेलिंग का भी मज़ा आ जाता है, और क्विकली आप बुक भी पढ़ सकते हो. तो आई थिंक कोई भी ग्राफिक बुक आप उठा सकते हो, आपको बड़ा अच्छे से आप उसको क्विकली फिनिश कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बाय जोरोंग्स. व्हाट्स योर लॉन्गेस्ट सिटिंग टाइम फॉर अ बुक? लॉन्गेस्ट सिटिंग टाइम आई'ड से अ डे प्रोबेबली. बट यस, आई रिसेंटली डिड अ रीडिंग व्लॉग वेयर आई रेड 3 books इन 24 hours. सो आई थिंक दैट वॉज कुछ अलग ही लेवल पे जो मैंने कर डाला है. लेकिन एक दिन में मैंने 3 किताबें पढ़ी हैं, वो भी अच्छी खासी बड़ी बड़ी मोटी किताबें. तो इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट वीडियो, प्लीज़ गो चेक इट आउट. बट यस, आई थिंक वन डे कंटिन्यूसली वन डे मैंने काफ़ी सारी मिस्ट्री किताबें एक दिन में ख़त्म करी हैं. डैन ब्राउन की बुक्स मैंने एक दिन में पढ़ डाली हैं. तो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आयशा. वन बुकिश लेसन दैट यू वुड वॉन्ट योर फ्यूचर सेल्फ टू टेक नोट ऑफ. वन बुकिश लेसन, आई थिंक प्रोबेबली नॉट फसिंग ओवर मीनिंग, गेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट यू डोंट नो. इस पे बचपन में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, और मुझे लगता था कि मुझे इस शब्द का मीनिंग क्यों नहीं पता. फिर मेरे पापा आके मुझे समझाते थे कि बेटा पूरा सेंटेंस पढ़ो, तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा. तो दैट्स व्हाट आई डिड. और फिर बाद में मैं उसका मीनिंग चेक किया, तो लगभग वही होता था जो मैं अंदाज़ा लगाती थी. तो एक ये मेरा रीडिंग काफ़ी हैम्पर करता था. But yes, I would say one big lesson that I've learned through all these years is to stop reading a book if you're not enjoying it, whether it is fiction, non-fiction or any other genre. Like for example, अभी मैं ये book पढ़ रही हूँ. 4 chapter पढ़ के मुझे समझ आ गया कि मुझे ये book ज़्यादा अच्छी नहीं लगने वाली. मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँगी, but उसके बाद मैं रुक जाऊँगी. मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई book लाए हो तो उसको ख़त्म करना ही है. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लाइक ग्रिट जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा. मुझे मालूम है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है, पर मुझे लगा कि इस बुक से कुछ नया मुझे सीखने मिलेगा, कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ेगी जो अभी तक नहीं हुआ है बाय द वे. बट फिर क्या होता है ना कि हम उस आइडिया को ही छोड़ देते हैं, उस आइडिया से दूर हो जाते हैं कभी कभी. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आइडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक की राइटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम है. इसी आइडिया को कहीं और पढ़ लो, कोई आर्टिकल पढ़ लो, किसी का पॉडकास्ट सुन लो, आपको इस पर्टिकुलर पीस ऑफ रिटन लिटरेचर से कुछ ज्ञान नहीं मिला, दैट डजंट मीन आपको कहीं और से नहीं मिल सकता. तो डोंट फस ओवर इट कि नहीं मुझे बुक ख़त्म करना ही है क्योंकि मुझे ये आइडिया बहुत पसंद है. जस्ट लीव इट, ओके, मूव ऑन. तो ये एक लेसन है जो मैंने सीखा है. ओके, लेट्स मूव ऑन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन
ओह गॉड आई हैव क्रैम्प. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बाय आयशा. वन बुक दैट यू वर अबाउट टू डीएनएफ बट देन टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग. आई एम होपिंग इट वुड बी ग्रेट बट बलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड बाय अनीता देसाई जो मैंने रिसेंटली किंडल पर पढ़ी थी और उससे मैं सोचने वाली थी कि मैं डीएनएफ कर दूं पर एक्चुअली वो बहुत अच्छी बुक थी, काफी हिलेरियस थी और मुझे पढ़ के बहुत मजा आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय श्रुति. अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ बुक्स अमीज फैमिली. थैंक यू श्रुति, दैट्स सो काइंड ऑफ यू. लॉट्स ऑफ लव टू यू. क्वेश्चन, व्हाट अबाउट योर लव लाइफ? आंसर दिस ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल. I am married to my love, so yeah, that would be your answer. Next question is by Shivani. Ma'am, kindly suggest top 5 self-help books, anything which everyone should read in their life. Again, I have a video on this, top 5 books or top 10 books that every student should read. I think wo bahut acha video hai aur again bahut sare non-fiction or self-help books ke recommendation aapko meri book recommendation playlist mein mil jayenge. Next question is by Tit Tat. Suggest a book that can help me in fiction writing way. Also enhance creativity in life. Urgent need. Oho, urgent need hai bhai. To iske liye I would say ek book hai by Elizabeth Gilbert called Big Magic, jo bahut achhi book hai. Kisi bhi creativity related topic ko wo book answer karti hai. So I think you should go for it. And for writing, एक बुक मैं लाई थी कुछ टाइम पहले जिसका नाम है द राइटर्स गाइड टू बिगिनिंग्स विच सॉर्ट ऑफ टीचर्स यू हाउ टू राइट अ बुक एंड इफ यू सर्च बाय दिस हेडलाइन हाउ टू राइट अ बुक बुक्स ऑन हाउ टू राइट यू विल सी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. तो हर जॉनरा के लिए लाइक फिक्शन बुक्स कैसे लिखनी चाहिए उस पर भी बुक है, नॉन फिक्शन कैसे लिखनी चाहिए उस पर भी बुक है, पोएम्स कैसे लिखी जाती है उस पर भी बुक है. सो आई थिंक आप ऐसी बुक्स ढूंढ सकते हैं या फिर कोई क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर रियली इन्वेस्टेड टू लर्न हाउ टू राइट अ बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बाय सेम पर्सन. इज बुक ट्यूबिंग रियली स्लो नीश टू गो अबाउट इन यूट्यूब? अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ येस इट इज, स्पेशली इन इंडिया इट्स नॉट दैट फेमस क्योंकि इंडिया में इतने लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं. सो येस इट इज अ स्लो नीश बट यू कैन ट्राई एंड कंबाइन सिमिलर टॉपिक्स in your channel and you can, you know, maybe start reviewing books, you can earn money by that, you can have your Bookstagram account. So there are lots of things that you can play around and, you know, just try and be creative. Next question is by Tanya. Since when are you reading? What are changes you decided to do in your upcoming video? I have been reading since childhood, like since I was 5 to 6 years old, on and off. फिर जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उस टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती है, मतलब बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि कोर्स का ही इतना सारा बर्डन होता है. देन अगेन आई स्टार्टेड लाइक रीडिंग इन व्हेन आई वाज इन कॉलेज और फिर तब से आई वुड से मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ और काफ़ी पढ़ रही हूँ. और वट आर द चेंजेस दैट आई डिसाइडेड टू डू इन माई अपकमिंग वीडियो? सो यस गाइज, आई हैव फाइनली डिसाइडेड कि मैं थोड़ा ब्रांच आउट होती हूँ क्योंकि ऑनेस्टली चैनल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. बुक ट्यूबिंग इज रियली अ वेरी स्लो नीश. आई एम नॉट सीइंग द रिस्पॉन्स दैट आई हैव एक्सपेक्टेड टू सी. सो आई हैव थॉट ऑफ ब्रांचिंग आउट, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल मैं कल से मेकअप के वीडियो बनाने लग जाऊंगी. आई विल डू वट एवर आई एम कम्फर्टेबल विथ और जो इस पूरे पेरीमीटर में फिट बैठता है. लाइक अभी मैं सोच रही हूँ कुछ अपना हेयर केयर रिलेटेड वीडियोज बनाने के लिए क्योंकि 10 में से 8 लड़कियों के मुझे क्वेश्चन आते हैं और डीएम आते हैं कि अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करो. तो अगेन आई वोंट बी वेरी प्रिटेंशियस कि बिल्कुल यू नो जैसा आप देखते होंगे अदर चैनल्स में. मैं बिल्कुल रॉ रियल रहूंगी, जैसी हूँ वैसी ही बात करूंगी. सो या बट आई एम प्लानिंग टू ब्रांच आउट एंड आई डू सम लाइफ स्टाइल और मे बी रिव्यूज ऑफ सम टी वी सीरीज और मूवीज दैट आई एम वॉचिंग. आई शेयर माई फेवरेट्स विथ यू गाइज. सो येस देर वुड बी सम थिंग्स अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन दिस चैनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रियंका सावंत. विच टॉप 10 बुक्स यू हाईली रिकमेंड? अगेन अ वेरी वेग क्वेश्चन. आपने कोई जॉनरा भी यहाँ पर मैंशन नहीं किया है, सो प्लीज गो चेक आउट माई प्ले लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय ध्रुव भारती. बेस्ट नॉवल और सीरीज फॉर गिफ्ट? दिस इज अ वेरी गुड आइडिया.
एक्चुअली आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस कि हर एक ओकेजन पे किसी को गिफ्ट करने के लिए कौन सी सबसे अच्छी बुक होती है. सो प्लीज वेट फॉर इट. आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड अपलोड इट. ओके ओके नाउ लेट मी क्विकली गो थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके आई हैव डन दिस आई हैव डन दिस. ओके योर हॉबीज. फर्स्ट बुक दैट यू रेड. द बुक विच हैज ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. माई हॉबीज first and foremost reading, anything creative, cooking, exercising, taking care of my body, going for a walk, writing, all of these are my hobbies. And first book that I read, probably some comics. The book which has greatest impact on your life, Diary of a Young Girl by Anne Frank. Bhargav is saying nothing, just take care of yourself. Thank you. Okay, so these are all the questions. I hope that you have liked this video. If you did, don't forget to give it a thumbs up. And I'm gonna come soon with many more videos. In fact, I'm gonna shoot 2 more videos today itself. So just wait for it. Just hang on there. Please don't unsubscribe me. And if you are new, if you are watching me for the first time, please subscribe my channel. And please make sure to follow me on Instagram as well, because I am very active there and I've been sharing lots of bookish pictures there already. Okay, so I'll see you soon with another video. Till then, you guys take care of yourself, enjoy your Diwali, and I'll see you very soon.